असरार मेरा यकीन करे कि हमारा बेटा है। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। क्यों आई हो तुम यहां? क्यों ना आती? बीवी है ये तुम्हारी? बीवी ये है मेरी बीवी। आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तुम मेरी इज्जत और गैरत की चादर को सरा दागदार कर सकती हो नहर, तो मैं चादर उतार के किसी और के सर पर क्यों नहीं पहना सकती? बस कर दे जरार, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, कोई बेवफाई नहीं की। झूठा इल्जाम लगाया गया मुझ पे, मेरी बात का यकीन तो करें, ही हमारा बेटा है। ये क्या नया तमाशा लगा रखा है? खुदा जाने किसका बच्चा है जो मेरे बेटे के सर पे डाल रही हो? कुछ तो खुदा का खौफ करो। खुदा का खौफ तो आप करें, डरे उसके कहर से। एक बाकिरदार और मासूम बच्ची पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए। वाह मलिक साहब, ये आप ही थे ना जिसने भरे मजमे में अपनी भतीजी को आवारा और बदकिरदार कहा था? ये वही लड़की है, पता नहीं क्या झूठी सच्ची कसमें उठाकर अपनी औलाद को मेरे बेटे के सर पर डाल रही है। ये क्या कह रही है बहन? डरे अल्लाह से, ये भी बेटी है और आप भी एक बेटी की माँ है, मत भूले आप। मेरी बेटी का नाम अपनी इस आवारा भतीजी के साथ मत लें। सरार मेरा यकीन करें कि हमारा बेटा है। सुनहरा सब सच जानती है फिर भी। मैं कुछ भी नहीं जानती। अपनी झूठी कहानियों में मुझे इन्वॉल्व ना करो। मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई अतबार नहीं है। मेरे सामने ये झूठी सच्ची कसमें ना खाओ तो बेहतर है, वरना मेरा इंसानियत पर से एतबार हो जाएगा। चलो जाए यहां से, ऐसा ना हो कि मुझे आप लोगों को धक्के देकर निकालना पड़े। तुम मारोगे हमें धक्के। चल चल रुक जाए, हमें यहाँ से चलना चाहिए, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलो बेटा। ऐसे कैसे वापस चलते हैं? तुम्हें क्या लगता है, तुम आराम से आओगी, अपना ड्रामा करोगी और आराम से चली जाओगी? ये लड़की जब आती है हमारी खुशियां हमारी जिंदगी बर्बाद करके चली जाती है। जाने दो इसे जूनी, समझो बला एक बार फिर सर से टल गई। आई एम सॉरी आंटी, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार फैसला होकर रहेगा। जरार अभी और इसी वक्त इसको तलाक दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उर्वा हुसैन। Subscribe to the ARY Digital YouTube channel for more entertaining content.